हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ लखनऊ की चिकन बिरयानी। आप लोगों ने वाहिद बिरयानी और रहीम की बिरयानी तो ज़रूर खाई होगी, और वो लोग भी ऐसे ही बनाते हैं, बल्कि ये बनाइए आप तो उससे भी बहुत अच्छी बनेगी। मैं आपको आज कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताएंगे, और जो सीक्रेटली डाले जाते हैं उसको उसका फ्लेवर रिच करने के लिए। सो लेट्स गो। यहाँ पर मैंने 4 से 5 कप चावल को भिगो के रख दिया था 2 घंटे पहले ही, जिसमें 3 चम्मच नमक डाला है मैंने, और 2-3 तेज़पत्ता, लौंग और इलायची। भिगोए हुए चावल से बिरयानी बहुत अच्छी बनती है और चावल की लंबाई भी बहुत अच्छी आती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुकर लेना है, जिससे मैंने घी डाला है, कम से कम अच्छा खासा घी डालना है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, वैसे मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि घी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। तो थोड़ा सा घी या तेल जो भी आपके पास हो उसको डाल के 2-3 तेज़पत्ता, 4-5 इलायची, लौंग और छोटी इलायची डाल के आप सिनेमन स्टिक डाल दीजिए, और उसके बाद इसको ऐसे गर्म होने दीजिए। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 अनियंस हैं, इसको आप फाइनली चॉप कर लीजिए अपने चॉपर में, एंड उसके बाद इसको आप इसमें डाल दीजिए। यहाँ पर जो 4 चॉप्ड अनियंस थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं, एंड हम इस तरीके से इसको अभी ब्राउन होने तक फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। एंड उसके बाद हम इसके में डालेंगे ये हमारा 1 kg बोनलेस चिकन। जब तक हमारी अनियन ब्राउन हो रही है तब तक हम इसके बिरयानी मसाला बना लेते हैं। तो आपको 2 से 3 चौथरी लेना है, और कम से कम 8 से 9 हरी इलायची, एक या आधा नटमेग, चार से पांच बादाम और 4 से 5 काजू। और अब हम इसका बना लेंगे एक फाइन पेस्ट ग्राइंड करके। हमारी प्याज जो है वो ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा चिकन। अब हाई फ्लेम करके इस चिकन को हम थोड़ा सा प्याज में भून लेंगे। दो मिनट तक, और इसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं इसमें डाल रही हूँ ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं मार्केट से, या घर का भी बना हुआ पिसा हुआ डाल सकते हैं। अपने हिसाब से क्वांटिटी में अंदाजे सब डाल दिए। अब आपको इसको 2 मिनट तक भूनना है, जब तक जिंजर गार्लिक की स्मेल ना आ जाए। अगर आप इसको इस टाइम नहीं भूनेंगे, स्किप कर देंगे ये मेथड, तो आप कि इसमें से स्मेल आएगी लहसुन अदरक की, कच्चेपन की। अब आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए, जितना आप खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा नमक बढ़ा के ही डालना है, क्योंकि चावल भी डालेंगे तो नमक जो है वो कम हो जाता है बाद में। और साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। अब हमने जो बिरयानी का मसाला बनाया था, जो फाइनली ग्राइंड कर दिया है, इसको हम अपनी बिरयानी में डालेंगे। हमने अपना पूरा बिरयानी मसाला इसमें डाल दिया है। अब हम इसको
मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। इस तरह ऑयल सेपरेट हो चुका है और मैंने इसमें डाला है 1/2 कप पानी और अब मैं इसकी लिड लगा दूंगी 3 सीटियां होने तक प्रेशर कुकर नहीं खोलना है। 3 सीटियों के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर दिए एंड देन नेक्स्ट स्टेप मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर और इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर, बहुत ही थोड़ा सा बस, और इसको करके मिक्स हम रख देंगे राइस के ऊपर डालने के लिए। 3 सीटी आ चुकी है, अब हमने बंद कर दी है अपनी गैस और अब हम वेट करेंगे कि हम कुकर की जो भी गैस है वो बाहर निकल जाए एंड देन हम करेंगे भुनाई। तो अब इसकी गैस सारे निकल चुकी है, अब हम अपना कुकर खोलने जा रहे हैं। अब हम गैस को तेज आंच पे करके इसका जो पानी है उसको जलाएंगे इस तरीके से। हमारा चिकन ऑलमोस्ट गल चुका है और बाकी भुनाई में और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। भुनाई हो रही है और अब इस दौरान हम अब डालेंगे 2 चम्मच फिटा हुआ दही जो मैंने यहाँ फेंट के रखा हुआ है। अब हम इसको इसमें डाल के और भुनाई करेंगे। हमने इसमें दही डाल दिया है और अब हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर तक। दही से और दूध ये सब डालने से फ्लेवर बहुत रिच आता है। ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। भुनाई के दौरान अब हम इसमें डालेंगे 1/2 स्लाइस्ड नींबू। दही के बाद अब हमारा सेकंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दूध, 1/2 कप दूध डालने से हमारे चिकन में जो मसाला रह जाता है वो छूट के मिक्स हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है। एंड लास्ट स्टेप है थोड़ा सा केवड़ा वाटर। कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे ही स्लो आंच पे भुनाई करते रहेंगे। और दूसरी तरफ मैंने अपने भिगोए हुए चावल चढ़ा दिए हैं। हमारी भुनाई हो गई है, आप देख सकते हैं तेल सेपरेट होने लगा है एंड अब इसको हम कर देंगे बंद। हमारे राइस ऑलमोस्ट गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है नहीं तो बाद में जब आप बिरयानी में दम लगाएंगे तो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे चावल। तो बस इतने पे आपको गैस बंद कर देनी है, इसके बाद आपको छानना है सारे चावल। चावल मैंने छान लिए हैं छन्नी में, अब इससे आपको लेके स्टिक पैन लेके या नॉन स्टिक कढ़ाई कह सकते हैं या बड़ा पतीला जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप पहली लेयर इस तरीके से चावल की लगाइए। उसके बाद आपने जो एखनी बनाई थी चिकन की वो इस तरीके से पूरे पे स्प्रेड कीजिए। अब लास्ट लेयर जो राइस की बची है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। और लास्ट स्टेप जो हमने केवड़े में रंग घोला था उसको हम डाल देंगे। रात
आखिर में हम एक गीला टावल या क्लॉथ लेके उसको इस तरीके से ढक देंगे और दम लगा देंगे। इस तरीके से बिरयानी को आप कम से कम 10 से 15 मिनट बहुत ही स्लो आंच पे ढक के दम दिएगा, जब तक चावल इसके एकदम गल नहीं जाते और बढ़िया सा दम लग जाएगा। हमारी बिरयानी का गैस मैंने बंद कर दिया है, अब इसको दम हम कम से कम ऐसे ही देते रहेंगे। 10-15 मिनट के बाद इसको खोलना है और फिर इसको मिक्स करना है। अगर आप फौरन ही खोल के मिक्स करेंगे तो सारे चावल जो है टूट जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। जा रहे हैं अपने बिरयानी का दम खोलने और ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली दम हुई है और कितने खड़े खड़े चावल आए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और ये है हमारी लखनवी चिकन बिरयानी। माय बिरयानी इज़ रेडी एंड अब आप बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना ना भूलिएगा और बने रहिए साथ में। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।